देश के सबसे प्रतिष्ठित और साथ ही सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नया इतिहास रचा जाएगा। वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू में स्थापित 19वीं सदी के आध्यात्मिक महानायक विवेकानंद की मूर्ति का प्रधानमंत्री मोदी अनावरण करेंगे। लंबे संघर्ष और वामपंथी लॉबी के घनघोर विरोध के बावजूद आखिरकार जेएनयू के छात्रों का यह सपना कल साकार होने जा रहा है। जेएनयू में रचा जाएगा इतिहास। छात्रों के सपनों में भरेगा हकीकत का रंग। नेहरू से 300 मीटर दूर विवेकानंद की मूर्ति। जेएनयू के छात्रों का करीब दो दशक का सपना अब से कुछ घंटे बाद पूरा होने वाला है। वामपंथ के बदनामगढ़ जेएनयू में नेहरू की प्रतिमा से 300 मीटर दूर स्थापित भारत के गौरव और अध्यात्म के मसीहा स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने जा रहे हैं। 19वीं सदी के इस महामानव की प्रतिमा जेएनयू परिसर में स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी के छात्र साल 2001 से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन वामपंथी विरोध और तंग सियासी सोच की वजह से छात्रों का ये सपना साकार नहीं हो पा रहा था। विवेकानंद जी की प्रतिमा के पीछे विद्यार्थी परिषद और समस्त राष्ट्रवादी व्यक्तियों का एक लंबा संघर्ष रहा है, जो हमेशा जब इस कैंपस में विवेकानंद जी के पोस्टर लगाना मुश्किल कर रहा था, उस परिस्थिति में भी विवेकानंद जी की प्रतिमा इस कैंपस में स्थापित होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ही इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी थी। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श जितने उनके जीवन काल में प्रासंगिक थे, वो आज भी हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा जोर दिया है कि लोगों की सेवा करने और युवाओं को सशक्त बनाने से देश शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है और इससे देश की वैश्विक साख भी बढ़ती है। भारत की समृद्धि और शक्ति यहाँ के लोगों में निहित है और सभी को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। जेएनयू के छात्र लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना करने की मुहिम में जुटे थे। साल 2005 में परिसर में जब जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करने की मुहिम और तेज हो गई, लेकिन जेएनयू का लेफ्ट ब्रिगेड इसके लिए कतई तैयार नहीं था। 2014 में जब प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की बतौर वाइस चांसलर नियुक्ति हुई तो छात्रों में उम्मीद की किरण जगी। साल 2017 में कार्यकारी परिषद में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसे लेफ्ट ब्रिगेड के बावजूद बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद 2017 में ही प्रतिमा बनने का काम शुरू हुआ और साल 2019 में ये प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। आपको बता दें कि जेएनयू में गुरुवार को अनावृत होने वाली प्रतिमा उदयपुर में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार ने बनाई है। इसके लिए काफी मशक्कत हुई और सैकड़ों स्केच बनाने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। जेएनयू में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा छात्रों को आगे बढ़ने का संदेश देने वाली है। प्रतिमा में विवेकानंद का दाहिना पैर और दाहिना हाथ आगे बढ़ने की मुद्रा में दिखेंगे। प्रतिमा की लंबाई 11.5 फीट है, जबकि इसका चबूतरा 3 फीट ऊंचा है। विवेकानंद की प्रतिमा नेहरू की प्रतिमा से लगभग 3 फीट ऊंची है। जेएनयू में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा से लेफ्ट ब्रिगेड को कितनी चिढ़ है, इस बात का प्रमाण पिछले साल 14 नवंबर को देखने को मिला था। जेएनयू परिसर में स्थापित इस ढकी हुई प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई थी। जिस भगवा कपड़े से इसे ढक कर रखा गया है, उसे फाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, प्रतिमा के चबूतरे पर लाल रंग से भगवा जलेगा और फांसीवाद का अंत होगा, जैसी आपत्तिजनक लाइनें लिख दी गईं।
पर तमाम विरोध और नफरतवादी प्रचार के बाद भी जेएनयू के छात्रों का सालों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।